अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जा रहे हैं कनाडा, तो अपने घर से अब चीज़ें बेचने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस पर आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलेंगी। इनमें से बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके सामने मैंने ख़रीदी हैं और आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमने उनको मेंटेन किया हुआ है, रखा हुआ है, मतलब एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। तो आपको मैं वन बाय वन सारी चीजें दिखाता हूँ और उनकी फाइनल प्राइसेस बताता हूँ। प्राइसेस आर नॉट निगोशिएबल, अगर बिकी तो बिकी, नहीं तो हमें कोई मसला नहीं है। चीजें जो फॉर सेल है वो खाली यही नहीं है जिनके ग्लिम्पसेस अभी तक आपने इंट्रो में देखे हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बल्कि अगर यूं कहूँ कि इस वीडियो के कई पार्ट्स बनने वाले हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि कैनेडा जाने तक, यानी कि कनाडा के लिए निकलने तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेफिनेटली यूज़ करना चाहते हैं, तो वो एन वक्त पर या नियर दी एंड सेल आउट होंगी। तो इस वीडियो के काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे, फिर एक पार्ट वो भी बनेगा जिसमें हिना अपनी चीज़ें दिखाएंगी, सारी ऑक्शन करेंगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सारी चीज़ों के रेट्स आपको साथ में डिस्प्लेड नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले रूल्स मुलाहिजा फरमाइए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वॉल माउंटेड हीटर से। इसमें आप अपनी मर्जी का टेम्परेचर सेट करके गर्म हवा ले सकते हैं। तो ये ऑन हुआ है, टेम्परेचर मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ये सर्दियों में बहुत काम की चीज़ है। तो ये है जी 7,500 का, बहुत मज़े की है, इसकी हवा आ रही है। और कब ख़रीदा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने ख़रीदा था 2 साल पहले और बस सर्दियों में थोड़ा सा यूज़ हुआ है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई यूज़ नहीं हुआ। ये कि मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, अब इसकी ब्लेड्स क्लोज हो जाएंगे। ये शीशा है 3 फुट डायमीटर का और इसकी प्राइस है 20,000 रुपये। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस चीज़ का बना हुआ पीछे से। तीसरे नंबर पर जी ये कारपेट सीनरी है, हमने बहुत ढूंढ कर और बहुत पसंद से ख़रीदी थी। इसका साइज़ है हॉरिजॉन्टली 47 इंचेस और वर्टिकली 27 इंचेस। इसकी प्राइस है 3,500 रुपीज़। चौथे नंबर पर है डॉलेंस ग्लास डोर क्लाउड वाइट वर्टिकल फ्रीज़र विद इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। इसकी ख़रीदने की वीडियो भी मैंने आपके सामने ही बनाई थी और इसके रिव्यूज़ भी दिए थे। बहुत ज़बरदस्त वर्टिकल फ्रीज़र है, बहुत इजी होता है यूज़ करने के लिए क्योंकि वर्टिकल होता है ये, आपको झुकना नहीं पड़ता, चीज़ों पर चीज़ें जमी हुई नहीं होती। इसके अंदर 6 कंपार्टमेंट्स हैं और इसका एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा है हमारा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, नीचे से ऊपर तक इसके 6 कंपार्टमेंट्स हैं और ऊपर भी आइस क्यूब रखने की जगह है। साइड पर आप देख सकते हैं किस तरह से 3D डायमंड पैटर्न है इसका। और ये आपको मैं क्लोजअप व्यू दिखा रहा हूँ बाहर से, बहुत खूबसूरत ग्लिट क्लाउड वाइट डॉलेंस इन्वर्टर वर्टिकल फ्रीज़र है। इसकी प्राइस है 65,000 रुपये। पाँचवें नंबर पर है सुपर एशिया ECM 4500 सुपर कूल कूलर। ये पोर्टेबल है और इसकी वर्टिकल ब्लेड्स मूवेबल हैं, बहुत ज़बरदस्त कूलर है। ये भी ख़रीदे हुए 3 साल का अरसा हो चुका है, सिर्फ शुरू शुरू की गर्मियों में ही इस्तेमाल हुआ है, बाकी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। और अगर आप लो पर चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको लो कर सकते हैं इसके डायल में, और ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऐसे ऑफ होगा। फिर ये यहाँ से कूल का की ऑप्शन है, यहाँ से स्विंग की ऑप्शन है, यहाँ से कूल एंड स्विंग दोनों की ऑप्शन है। इसकी आप वर्टिकल मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो, इस तरफ आपने मोड़ना है, उस तरफ मोड़ना है। इसकी प्राइस है 12,000 रुपीज़। छठे नंबर पर अप फॉर सेल है सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन और सुपर एशिया का स्पिनर। ये दोनों सेपरेट हैं और ये मैनुअल है या सेमी ऑटोमेटिक भी इनको कहते हैं। ये फुली वर्किंग कंडीशन में है,
हमने यूज़ करनी सिर्फ इस वजह से छोड़ दी थी क्योंकि हिना को मैंने फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले दी थी जिसके अंदर ड्रायर भी था, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही थी, इसलिए इसको हमने स्टोर रूम में रख दिया था। तो ये दोनों भी अवेलेबल हैं फॉर सेल, और आप इंडिविजुअली एक एक भी ख़रीद सकते हैं, यानी वॉशिंग मशीन भी और स्पिनर अलग से ख़रीद सकते हैं। दोनों की कीमत 10,000 रुपये है, यानी अगर आप खाली वॉशिंग मशीन लेते हैं तो आपको 10,000 की मिलेगी, खाली स्पिनर लेते हैं तो आपको 10,000 का मिलेगा, दोनों लेते हैं तो वो दोनों आपको 20,000 के मिलेंगे। सातवें नंबर पर ये टर्किश एम्बोस्ड कारपेट्स हैं। इनमें ये जो सफ़ेद वाला देख रहे हैं और इसके बाद आपको मैं एक काला वाला दिखाऊंगा, ये दोनों 5 फुट बाय 8 फुट साइज़ के हैं ऑलमोस्ट, और एक एक अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये का मिलेगा, दोनों लेना चाहते हैं तो 20,000 का मिलेगा। और इनके साथ में इसी सेट का एक तीसरा कारपेट अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, उसकी कीमत 4,000 रुपये है, उसके साइज़ भी आपको उसके साथ ही बता दूंगा। ये तीनों एक ही फैमिली है, मतलब एक ही टाइप के कारपेट्स हैं लेकिन डिफरेंट कलर्स में हैं। तो ख़ास तौर पे ऐसे जो 5 मरले के घर होते हैं जिसमें एक टीवी लाउंज एरिया होता है, एक ड्राइंग रूम होता है और एक उन दोनों की पार्टीशन मतलब बीच में से जाने का एरिया होता है, तो उनमें एक पूरी फैमिली की तरह से ये लगते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसका साइज़ है 31 इंच बाय 5 फुट और ये बहुत ज़बरदस्त है, आपको मैं इसका क्लोज़अप भी दिखाता हूँ। ये देखिए इतनी इसकी मोटाई भी है, ओरिजिनल टर्किश रग है ये, रेड में, रेड एंड वाइट। आठवें नंबर पर ये डाइनिंग टेबल है जिसके साथ 8 चेयर्स हैं, जब इन पर खाना सजता है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका साइज़ पहले सुन लीजिए, ये है 3 फुट 3.5 इंचज़ विड्थ का और लेंथ है इसकी 7 फीट 2 इंचज़, और इसके टॉप पर जुपाराना ग्रेनाइट है जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट के नीचे लकड़ी की अपनी बेस भी है। ये डाइनिंग टेबल आपको मिल जाएगा 25,000 रुपये में, लिटरली इसकी थ्रो अवे प्राइस है, वरना जब इसको मैंने बनवाया था तो खाली डाइनिंग टेबल 36,000 का बना था और ऊपर जो जुपराना ग्रेनाइट था उसके मैंने 25,000 एडिशनल पे किए थे, यानी समझ लीजिए कि आपको सिर्फ ग्रेनाइट की कीमत में पूरा डाइनिंग टेबल विद 8 चेयर्स मिल रहा है। और अगर आप चाहें तो इसके ग्रेनाइट ऊपर से रिमूव करके किचन की शेल्फ पर भी लगा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसकी ये 2 शीट्स साइड बाय साइड रखी हुई है, नीचे पैकिंग फिक्स की हुई है ताकि लेवल में बरकरार रहे, और क्योंकि एक ही पूरा पैनल नहीं आता ग्रेनाइट का, वरना आता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है जो 3 फुट 3.5 इंच का हो, इस वजह से 2 पैनल्स मैंने साइड बाय साइड रखवा कर उनको दोनों साइडों से 3-3 इंच कटवाया था ताकि टोटल विड्थ मुझे 3 फीट 3.5 इंचज़ मिल जाए। बहरहाल ये जो सेंटर लाइन है ये पता भी नहीं चलती, इसमें सिलिकॉन फिल है। जो इलेक्ट्रिक बेकिंग अवन है इसकी डायमेंशंस आपको मैं बता देता हूँ, इस तरह से ये 25.5 इंच है, इस तरह से ये 14.5 इंच है और इस तरीके से ये 15 इंच है, ताकि आपको साइज का भी अंदाजा हो जाए, यानी 25 बाय 14.5 इंच का आपको फ्रंट मिलता है और डेप्थ इसकी आपको ऑलमोस्ट 15 इंच मिलती है। बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग अवन है ये, इसमें जितनी बार भी हमने पिज्ज़ा बनाया है गैस अवन्स के नस्बत ज़्यादा सॉफ्ट क्रंची और ख़ूबसूरत गोल्डन होकर निकलता है, और टेम्परेचर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर इसकी का एडजस्ट करते हैं, यहाँ से आप इसकी ग्रिल ऊपर वाली या नीचे वाली ऑन कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठे भी ऑन कर सकते हैं, सेपरेटली भी 1 बाय 1 करके ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आप बताएंगे कि आप की जो हीट है वो कहाँ से मिलेगी, और फिर यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं टेम्परेचर को, सॉरी टेम्परेचर को नहीं, ये टाइमर है, मतलब आपको कितने मिनट्स के लिए इसको लगाना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग अवन है ये भी बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन में है, और ये हम आपको दे देंगे 14,000 रुपीज़ में। दसवें नंबर पर वर्लपूल का ये नॉन इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का, और ये आपको मैं दे दूंगा 25,000 रुपये में। इसको मसला कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि जब से हमने डॉलन्स का इन्वर्टर एसी ख़रीदा उसके बाद से इस
का यूज़ ख़त्म हो गया, क्योंकि हम बेसिकली एक ही मास्टर बेडरूम उसमें जो एसी है उसी को यूज़ करते हैं, बच्चियाँ भी छोटी हैं। तो ये वाला एसी हमारा स्पेयर पड़ा हुआ है, ये फुली फंक्शनल है, बस इसका रिमोट काम नहीं कर रहा। वो कोई भी यूनिवर्सल रिमोट आप सस्ता सा भी लेकर इसके साथ चला सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा 25,000 रुपीज़ में। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बस इन्हीं 10 चीज़ों तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो बाकी चीज़ें मैं अगली वीडियोस में कवर करूंगा। ये वीडियोस बनती ही रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम समझेंगे कि अब इस चीज़ की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं रही, तो वो हम वीडियो बनाकर अपलोड करते रहेंगे। ये सारी वीडियोस मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिसका नाम होगा होम थिंग्स फॉर सेल मेरे चैनल पर। वो प्लेलिस्ट में आप ये सारे ही पार्ट्स देख सकेंगे। आखिर में जाते जाते आपको रिमाइंड कर दूं कि सिर्फ जेन्युइन बायर्स ही कॉन्टैक्ट करें, और अगर कोई आकर देखकर चीजें लेना चाहते हैं तो बाकी दूसरे शहरों से अगर आप देख रहे हैं तो आपको इस्लामाबाद आना ही होगा, अदरवाइज आपको होम डिलीवरी हम करवा देंगे। प्राइसेस फाइनल हैं, ये भी बात याद रखिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।